अपनी नैनो को एकदम जबरदस्त बना देंगे। अब ये देख रहे, अरे अरे किया वाले, अरे ओ बाइक वाले, अरे इसकी अभी इसका कपड़े नहीं बनाए हुए ना, पेंट वेंट नहीं भाई। एसी का चीज देख रहे हैं यहाँ पर कैसा मस्त बनाया हुआ है। Hey guys, welcome back to the new vlog। और भाई साहब गाड़ी लेके निकल चुके हैं अपने अभी दूसरी अपनों को देखने के लिए। अगर आ गई बढ़िया है, देखते हैं क्या क्या चीज़ें, मतलब कितना फर्क पड़ा है और क्या क्या काम हुआ वो भी मैं बताऊंगा कि भाई क्या क्या सीन था उसमें और क्या क्या चीज़ों का हम लोगों ने काम करवाया है। और हाँ, एक और बढ़िया चीज़ है कि अपनी गाड़ी का मॉडिफिकेशन भी जल्दी चालू होने वाला है, तो भाई स्टे ट्यून। अपनी नैनो को एकदम जबरदस्त बना देंगे। अब ये देखना है कि कैसा डिजाइन करते हैं और किस तरीके से आता है, कितना खर्चा वर्चा आएगा, ये सब चीजें देख के बना के मस्त बना देंगे इसको एकदम। फिर एकदम अभी क्या है ना, थोड़ी नॉर्मल सी लगती है, आपको देखने में मजा आया, बाहर से कोई देखे तो समझे अरे भाई नैनो पे भी ऐसा हो सकता है, अरे भाई क्या नैनो जा रही है, कोई लगे ही ना कि भाई नैनो है ये वैसी। चलो भाई यार 13 तारीख हो गई, उत्तरायण है कल, उत्तरायण का माहौल बना हुआ है, कल तो भाई जबरदस्त ही रहेगा। अभी क्या करते हैं जाते, अभी देखो ये सब लोगों ने लगा रखे ना बाइकों पे कार लगा रखे, ऐसे तुम भी लगा लेना, बच्चों को आगे बैठा के मत चलाना भाई। और हो सके तो गाड़ी है तो भाई कार पे चलो, अभी दो चार पाँच मतलब कुछ ये एक महीना ठीक है सेफ्टी के साथ, जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक। ओ भाई आराम से भाई, बस वाले तो ठोक ही देता, क्या करें। अरे 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 किया वाले, अरे ओ बाइक वाले बाइक वाले को देखा, देखी दे रहे भाई साहब टर्न पे और स्पीड में ले रहा है, स्पीड में देख ही नहीं रहा कि भाई वहाँ पे कोई गाड़ी आएगी भी कि नहीं आएगी। ऐसे लोगों का एक्सीडेंट होता है फिर बोलते कि हमें ठोक दिया। यार आराम से चला करो यार, तुम्हें तो ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए कि तुम्हारा क्या यार कहाँ गया है वो, इतना ऑफिस वर्किंग वाला इंसान, पढ़ा लिखा इंसान ऐसी हरकतें करता है भाई। जो कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन कम से कम उनके अंदर अकल तो होती है, रोड पे चलने का मतलब एक तरीका होता है यार, आजू बाजू सब देख के चला करो, टेल गेटिंग मत किया करो, बहुत सारी चीजें ध्यान रखने होती है, लेकिन लोग दिखते ही नहीं है, अपने घमंड में रहते हैं, हम नहीं रखेंगे, हम तो नवाब है भाई, हम नहीं रखेंगे, हम क्यों रखें, तुम रखो। और बताओ भाई क्या चल रहा है जिंदगी में, मतलब मेरी जैसी बर्बाद चल रही है फिर आवाज चल रही है, क्या चल रहा है बता देना मेरे को। बाकी ये कैसा लग रहा है ब्लैक हुडी, और गाड़ी के अंदर क्या क्या चीन करा सकते हैं, क्योंकि अभी जो है ना थोड़ी अटपटी सी लगती है ना गाड़ी, तुम तो बोलोगे यार कहाँ ही नैनो में घूमते रहते, थोड़ा बहुत सीट कवर चेंज कराओ, सीट का काम कराओ, बाहर एकदम मस्त बनवाओ गाड़ी है, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हो, कुछ नया दो यार, कितनी बार दिखाओगे एक ही चीज है। अभी इसका अंदर कराएंगे कुछ ना कुछ, थोड़ा दिमाग बताओ, थोड़ा एडजस्ट कलर कॉम्बिनेशन बताओ, कलर का भी हुआ, कलर थोड़ा चेंज वेंज करना हुआ तो वो भी कर सकते हैं अपने, बस आरटीओ में एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उस हिसाब से सेटअप हो जाएगा सब कुछ, बाकी तो ठीक है। अभी क्या है, हो गया सिग्नल, चलो निकलते हैं भाई। सब लोग पतंगे वगैरह लेके जा रहे हैं यार, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब इससे पहले एक मैंने शॉट लिया और हुआ ना स्लो मोशन आ गया, हद हो गई, गाड़ी होगी गंदी कितनी सारी, अब इसको साफ वाफ कराने के लिए भाई वो मतलब एक महीना ही हो गया, गाड़ी धुली नहीं है अपनी अभी तक, बाकी तो ठीक है, नैनो अभी लेके आए नहीं है तो लेने जाएंगे, देखो अगर रेडी हो जाएगी अभी तो ठीक है, शाम तक होगी तो फिर शाम तक तो मैं रुक नहीं पाऊंगा, तो फिर कल ही देखने के लिए मिलेगी। गौतम भाई अंदर बैठे हैं आज तक पूरा गेट वेट बंद करके, क्यों ऐसा, गर्मी वर्मी हो रही है क्या, हो गया गौतम भाई अकेले अकेले बैठे हो, इंटरव्यू दे दो यार तुम्हारा, और बताओ क्या चल रहा उत्तरायण, हमने इंटरव्यू कभी दिया नहीं आज तक और ना ही देंगे ये तो हो गया नैनो नहीं लेके आए अभी, हो गई अभी, हुई नहीं रेडी नहीं हुई अभी, क्या काम बाकी है इसमें अभी, अभी उत्तरायण के बाद ही होगा, उत्तरायण के बाद, ऐसा क्यों, हमारी मर्जी तो चलती नहीं है, बंद कर दिया उसने अभी। हाँ। अरे यार प्रॉब्लम हो गई है, क्या कर रहे राकेश भाई, कहाँ गए, RSA पर जा रहे, गाड़ी आई है, गाड़ी आई है, ये आदमी भाई साहब मेरी गाड़ी कितने बिकवा रहे हो, 15-20 हज़ार ये भाई साहब मेरी गाड़ी के 15-20 हज़ार रुपये बोलते, कोई आया तो चाबी दे देना 15-20 हज़ार में दे देना, बोले इसकी अभी इसका कपड़े नहीं पहनाए हुए ना, पेंट वेंट नहीं किया हुआ, इसकी वजह से इसकी हालत ऐसी, अभी इसको कोई वैल्यू नहीं करता, देख रहे हो भाई साहब, जब तक आपके पास पैसे वैसे नहीं है, आपके पास खर्चा नहीं करोगे अपने ऊपर और ये सब चीज़ें नहीं होंगी ना, तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा क्या, ये तो मतलब फिलोसफी दे दी मैंने, बहुत लंबी वाली सच्चाई बोल दी, क्या मतलब, क्या मतलब गरीबों के लिए नहीं है,
क्या मतलब गरीब आदमी हम है? चलो यार अभी जा रहे हैं, आ रहे थे हुंडई एक और कार देखने के लिए और देख के आते हैं कौन सी गाड़ी है, बाकी होगा तो लेके आएंगे भाई। और दूसरी बात, अपना मॉडिफिकेशन के लिए सोचना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें अपने करवा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं और कहाँ से करवा सकते हैं, क्योंकि एक्सटीरियर का तो पता है कि कहाँ से हो जाएगा, लेकिन इंटीरियर का मेन है ना कि इंटीरियर कहाँ से कराएं और कितना खर्चा वर्चा आएगा। कोई अगर जानता है बड़ोड़ा में तो बताना। राकेश भाई आगे लगा बीवी का बैंक है नहीं यार। चलो ऐसा ऐसा कोई स्टेयरिंग व्हील लेना है भाई अपनी नैनो के लिए, ओडा का ही स्टेयरिंग लगवा देता हूँ मैं, यही वाला टाटा की गाड़ी है, स्कोडा का स्टीयरिंग थोड़ी आगे कर लो यार सीट यार, तुम तो यार मेरे को एकदम ढक के बैठे हो। आइसर टेम्पो का डलवा, इससे ज्यादा नैनो में स्पेस है मेरे, ठीक है ना। आइसर आइसर टेम्पो देखा है ना, हाँ उसका डलवा दो। आइसर का चलाने की ऐसा बड़ा वाला वो पट्टी लगे लपेटे हुआ तो भाई ऐसा है, कभी भी अगर आप गौतम भाई से मिलो और गलती से वो आपको गाड़ी में लेके जा रहे कहीं, तो उनकी गाड़ी के सीट ये खोलने की नहीं कभी, ये मैं आपको टिप्स देता हूँ, प्रो टिप्स, कभी ये नहीं खोलना, ठीक है। बाकी एसी का बोलना नहीं इनसे कि भाई एसी चालू कर दो, क्योंकि इनकी गाड़ी बस बोलना मत, चले ना चले ऐसा, वरना अलग ही डायलॉग पढ़ते भाई। नैनो में सरिया डलवाऊँ मैं है? अच्छा नैनो के अंदर घुस रहा है ना मांझा आगे भाई, भीड़ कितनी लगी हुई है, मांझा मतलब पतंगे यहाँ पर पूरा लगा हुआ है। अब तो प्रताप नगर में सीमित नहीं रहा, सब जगह ही मतलब है ना, पतंगे लेने पड़ेंगे यार, खाने पीने के लिए दुकानें मस्त लगी हुई है यहाँ पे। गन्ने, अबे गन्ने बिक रहे हैं भाई, कच्चे गन्ने मीठे आते हैं, ब्लैक गन्ने मीठे आते हैं भाई। हाँ एंजॉय, तुम्हारे पास थी ना एक वाली, वो वाली पुराना मॉडल था नहीं, ये नया वाला मॉडल, नया मॉडल क्या ही होगा, ये कंडीशन जबरदस्त है भाई। स्कोडा ने ये गाड़ी के अंदर इतना मस्त काम किया है, खुरदुरी रोड पे भी भाई साहब अंदर कैबिन के अंदर नॉइस नहीं आता है बिल्कुल भी, ऐसा पता नहीं चलता, बहुत बहुत मस्त काम किया, छोटी से छोटी गाड़ी में भी स्कोडा ऐसा काम करता। हाँ आएगी देखो, पहुँच गए हुंडई और हुंडई में लेने आए हम लोग सोनाटा भाई, क्या जबरदस्त कार है यार, ये लंबी कितनी है, और ये एक्चुअली अब बंद हो गई है, यहाँ पे 17 इंच के व्हील आते हैं भाई इसके, देख रहे हो, एक्चुअली इंडिया में मिलती नहीं है अब ये, इसे बाहर ही मिलती है भाई, मेरे को तो अलग ही कलर दिख रहा था, कितना सही लग रही है यार, कंडीशन भी जबरदस्त है। GDI 2 लीटर इंजन है भाई, अभी अंदर बैठे हैं, क्या जबरदस्त लग रही है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है यार, क्या क्या गाड़ी है, पेडल शिफ्टर भी है, वाह भी वाह भाई जबरदस्त लग रही है। बस इंटीरियर का जो ये येलोइश नहीं है, सॉरी मेरे चश्मा ही में ऐसा लग रहा है चश्मा वैसा है ना, ये क्या जबरदस्त है यार गाड़ी, बहुत सही है। हाँ तो भीड़ भी यार बहुत सारी हो रही है, डैशबोर्ड ही देख रहे हो कितना बड़ा, और हम लोग नीचे बैठे हैं एक्चुअली काफी है नी, सीट थोड़ी नीची है ये, बाकी वरना वरना की सीट थोड़ी ऊंची आती है, इससे फील हो रहा है कि हम लोग नीचे बैठे हुए हैं, थोड़ी सी एडजस्टेबल है क्या, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल, हाँ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल, दोनों साइड इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है भाई, क्या प्रीमियम गाड़ी है सोनाटा। इंडिया में क्या स्पीड चेक करते हैं, सामने गाड़ी आ गई ना भाग, क्या पिकअप दे दी इंस्टेंट है, नॉइस वॉइस कुछ नहीं है भाई गाड़ी के अंदर, क्यों भेज रहे हैं आराम से भाई साहब, भी नहीं लग रहा है ब्रेक, गियर का वर्क भी नहीं है यार भाई, एसी का चीज देखना यहाँ पर कैसा मस्त बनाया हुआ है, है? एसी कंट्रोलर देखो कितना जबरदस्त बनाया हुआ है भाई, बाकी थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, बाकी साफ हो जाए तो कितनी जबरदस्त लगेगी, तो इंटीरियर क्लीनिंग के बाद, हाँ इंटीरियर क्लीनिंग हो जाए तो बहुत मजा आ जाए। अभी इंटीरियर दिखाता हूँ, ठीक है यहाँ से देखो लो, हाँ ये है, ये वो है, हैंडरेस्ट पे, और ये है पूरा मर्सिडीज में आता है, ये वैनिटी मिरर वगैरह दिया हुआ है यहाँ पर, अपना वो रख सकते हैं भाई, ये देखो तो चलेगा आपको, हाँ ये वो एस्ट्रे बनाया हुआ है पूरा, और ये कंपनी ने दिया है क्या, और वेंटिलेटेड सीट्स हैं यार दोनों, वाह पीछे की भी वेंटिलेटेड है, अरे वाह आगे पीछे दोनों की वेंटिलेटेड सीट्स हैं यार, कितनी प्रीमियम कार है भाई साहब, मजा आ जाए ये गाड़ी मिल जाती तो, मेरे पास बजट होता तो। साउंड
भाई साहब हैंड ब्रेक देखो ये रहा नीचे, यहाँ पर हैंड ब्रेक दिया हुआ है, सब चीजें नीचे ही दे दी इसकी भाई, बहुत जबरदस्त है यार। ले लो भी के मिल जाएगी देखो, और यहाँ पर आपको हेडलाइट वॉशर भी मिल जाते हैं यहाँ पे, और बस प्रोजेक्टर मिल जाता है यार, इतनी जबरदस्त लग रही है आगे पीछे भाई, पीछे भी देखो फुल प्रीमियम वेंटिलेटर का भी पीछे, हाँ वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, पता है दो कितनी प्यारी है दो लोग के लिए खाना वाना खा लेते हैं, मिलते हैं स्कूटी गिरा दी भाई, कैसे करते हो पार्क है, आज मुझे मिल गया वीडियो, आज मुझे मिल गया भाई, रुक 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 बच्चा है, चल इधर, अच्छा बीच में गाड़ी में नहीं आने का भाई, गाड़ी में बीच में नहीं आने का, चल इधर आ जा क्या गाड़ी तो? आज वीडियो मिल गया मुझे इनका हाँ कोई नहीं गाइस, ये है पोलो, और यार ये कितनी मस्त गाड़ी है यार, ये भाई पता नहीं कौन क्यों बेच के गया, आपको बताऊं मैं, ये गाड़ी बेच के उसने कौन सी ली गाड़ी पता है, नेक्सन, आ गाड़ी बेच के नेक्सन उसने ली बुक की, और ये एकदम 2017-2018 का मॉडल है, इतना मस्त है भाई साहब, ये चलाने में इसको ऐसा लगेगा ही नहीं, यहाँ पर आपको इधर रिवर्स डालने की कोशिश करोगे तो ये नहीं जाएगा, और इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको प्रेस करके फिर रिवर्स डालना पड़ता है, ये सीन है ये वाली पोलो में, वैसे नॉर्मल पोलो में आता है ना वो यहाँ आता है फर्स्ट के बाजू में आता है रिवर्स, लेकिन इसमें इधर ही दे रखा है, और इसको रिवर्स डालने के लिए भी इसको दबाना पड़ता है तब जाके होता है। गाड़ी के अंदर ये दिख रहे हो ना ये मैटिंग, ये तो अलग मैटिंग है, पूरा अंदर फ्लोर मैट जो है ना, मैं सोच रहा हूँ भाई ऐसा ही फ्लोर मैट अपनी नैनो में लगवाए मस्त, जो एकदम पहले जो पुराना वाला लगा हुआ ना वो काफी खराब हो गया यार, तो उसको क्या करेंगे हटवा देंगे, फिर उसके ऊपर ही शायद लगेगा, तो अच्छे से बढ़िया तरीके से उसको सेटअप करा देंगे तो मस्त लगेगी अंदर से, है ना। बाकी रूफ का तो क्या सीन है कि रूफ का करते हैं कुछ डिफरेंट मस्त सा बनाते हैं, तारे नहीं लगवाऊंगा मैं बस, ये मेरी गाड़ी बिकवा रहे 20,000 में, ये लो सर से सेंटर लॉक नहीं आवे भाई, इसलिए तो 20,000 में बेच रहे अब हम यहाँ अपने गाड़ी नहीं मजा आई यार, चले गए अभी नहीं मजा आई भाई, चलो घर की तरफ, क्योंकि ना इसको कार देनी है और हो जाएगा ऑफिस, तो मेरी बाइक ख़राब हो गई ना तो अभी इसकी वजह से पड़ी हुई है, साफ करवा लिया करो, मैं ही करवाता हूँ, रितेश करवाता नहीं है यार साफ, कितना आवाज़ आ रही है, चश्मा मेरा ढूंढ रहा था वो तो यहाँ भाई, आपके दिमाग में कोई आइडिया हो ना कलर कॉम्बिनेशन का तो मुझे बताना, ठीक है, वियर्ड कोई डिज़ाइन वगैरह भी है आपके दिमाग में तो मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा कमेंट कैसी गाड़ी को कलर कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट वगैरह अच्छा होना चाहिए, वीडियो में अच्छा लगना चाहिए, थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए इस तरीके से, और ग्लोसी बताना, मैट मुझे नहीं पसंद है, ठीक है, गाड़ी में मैट कराएंगे तो मतलब नहीं, मैट का टाइम तो लगेगा, ग्लोसी बताना एकदम शाइन करे एकदम वैसा वाला कलर करवाएंगे फिर बढ़िया तरीके से, कॉम्बिनेशन बताना कुछ अच्छी तरीके से, और कहाँ कहाँ पर कैसे करा सकते हो बताना, कि भाई पिलर पे ऐसा उधर ऐसा रूफ पे इस तरीके का, तो इस तरीके से बताना तो समझ में आए, तो देखते भाई कितने क्रिएटिव है अपने सब्सक्राइबर, और थोड़ा क्रिएटिविटी समझाएंगे पता चलेगा तो मजा आ जाएगा भाई, पूरा बाजार वहाँ से लेके वहाँ तक लगा पड़ा है पतंगों के लिए, अभी सब लोग सब शॉपिंग करने के लिए निकले हुए हैं, सब रजा के मूड में है भाई अभी दोपहर के ही, तो इनको यहाँ पर पतंग उड़ती है, और दिल्ली वगैरह में हम लोग रहते थे, दिल्ली में 15 अगस्त को उड़ाते थे इंडिपेंडेंस डे को, और यहाँ पर उत्तरायण पर उड़ती है, तो ये इस बस डिफरेंसेस है और कुछ नहीं, देख रहे भाई सुन रहे हो क्या है भाई, क्या गोल्डन गोल्डन सा हो रहा है बस, हाँ भाई ऐसा लग रहा है कि आज जल्दी आ गई है, और हाँ भाई सॉरी मैं आज भूल गया था, आज लोहरी है, तो भाई सभी को मेरी तरफ से लोहरी की लख लख बधाइयाँ, ठीक है, और लोहरी तो बोलते ही हैं, और एक और चीज़ बोलते हैं वो मेरे को याद नहीं आ रहा,
बट माफ कर देना, मैं अभी सो के उठा हूँ, सो गया था, मेरे सर में दर्द हो रहा था और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसकी वजह से सो लिया मैं एक डेढ़ घंटा सो लिया। मुझे लगा अंधेरा हो गया, लेकिन नहीं, अंधेरा नहीं हुआ। अभी तो सीन ऐसा ही है कि भाई पतंगे उड़ रही है बस। और ब्लॉग अच्छा लगा तो भाई लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, और बाकी तो सब बढ़िया है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय भोलेनाथ।